हे एवरीवन, ये मेरा नेक कट के तैयार है। अब हम इसमें स्ट्रैप्स लगाएंगे। तो सेंटर से 2.5 इंचेस रखना है दोनों साइड्स में। और फिर ये मेरा स्ट्रैप रेडी है और ये स्ट्रैप को मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। ये लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है। जो मेन फैब्रिक है वो ऑपोजिट है, मतलब कि रॉन्ग साइड है, और जो अंदर की तरफ है ये दोनों सीधे हैं, राइट साइड है, और बाहर की तरफ लाइनिंग और जो ये मेन फैब्रिक है ये दोनों ही ऑपोजिट हैं। इस तरह से फैब्रिक लगा लिया। जहाँ पे 2.5 इंचेस का हमने मार्क लगाया है उसकी स्टार्टिंग पर हमने ये स्ट्रैप रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारा हमने स्टिच कर लेना है। तो लेट्स डू इट। तो मैंने इस तरह से ये देखो स्टिच कर लिया है। ये जो मेरा मेन फैब्रिक है यहाँ पर रॉन्ग साइड पे पड़ा है, ठीक है। आप छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जहाँ पे भी डेप्थ्स या कर्व्स आएंगी। कट्स बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। फिर अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। एंड वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है स्ट्रैप्स की, कोई भी धागा वगैरह कुछ नहीं निकलता। ऊपर भी हमें एक स्टिच करना है, ठीक है। उसके बाद हम मेजर कर लेंगे 6 इंचेस, क्योंकि 3 इंचेस फ्रंट में आएगा, 3 इंचेस बैक पे जो हमारा स्ट्रैप है उसकी लेंथ। उसके बाद हम अपना बैक कमीज लेंगे, उसको भी हमने वैसे ही रखा है कि जो सीधी साइड्स हैं वो अंदर की तरफ हैं और जो रॉन्ग साइड्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। और इन दोनों के बीच में हमने अपना जो कमीज़ का फ्रंट पार्ट है वो रखना है। इसमें भी हमने सेंटर में से 2.5 2.5 इंचेस मार्क कर लेना है, और उसी मार्क के हिसाब से और जो स्ट्रैप के ऊपर 6 इंचेस का मार्क लगाया है वहाँ उन दोनों को मिलाकर हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। तो इसको बड़े ही आराम से करना है। पिन लगाने के बाद जो हमारा स्ट्रैप एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है, वो आप कट कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ऐसे ही ऊपर भी स्टिच कर लेना है। फिर उसके बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। देखो, मैंने कट्स नहीं लगाए थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने अब छोटे छोटे कट्स लगाए हैं, तो ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अगर आपको ये मेरा आइडिया स्ट्रैप्स को लगाने का, जिसको हम गुम सिलाई कहते हैं या फिर इनविजिबल स्टिचिंग, तो मुझे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ऐसे ही और बहुत सारे आइडियाज़ लेके आऊँगी। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट्स यहाँ पर भी लगा लिए हैं, तो इट्स ऑल डन। अब इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर भी बाहर की तरफ हमें स्टिच करके इसको अच्छे से बिठा देना है। तो ये जो है हमारे स्ट्रैप्स रेडी हो गए हैं, और इतनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आई है कि एक भी कहीं से भी धागा वगैरह नहीं निकल रहा। तो बिल्कुल ही जैसे हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, बिल्कुल ही वैसे फिनिशिंग आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।